70 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले तो आप सभी ने देखी ही होगी। जिस कदर की पॉपुलैरिटी इस फिल्म को मिली थी उसके सामने किसी और हिंदी फिल्म का टिक पाना आसान नहीं था। जिस साल शोले रिलीज हुई थी उसी साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसने शोले के सामने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी की थी। वो फिल्म थी जय संतोषी माँ। फिल्म को इस तरह का प्यार मिला कि संतोषी माँ पर बने सभी गाने हिंदुस्तान के घर घर में मशहूर हो गए और संतोषी माता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनीता गुहा को लोग भगवान मानने लगे। लोग अपने घरों में उनके पोस्टर लगाकर उनकी पूजा किया करते थे। साल 1975 में आई जय संतोषी माँ से अनीता बड़ी स्टार बन गई। फिल्म ने उस दौर में 5 करोड़ रुपए की कमाई का रिकॉर्ड बना डाला। प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी हासिल कर चुकी अनीता की निजी जिंदगी अंतिम समय में मुश्किलों से भरी रही। शादी के कुछ सालों बाद ही उनके पति का निधन हो गया और अनीता अकेली रह गई। आज के इस वीडियो में जानेंगे फिल्म संतोषी माँ और उसमें माता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनीता गुहा की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का हिंदी फिल्मी जगत से जुड़े अनसुने किस्सों का स्पेशल। बर्मा के पास एक गांव में जन्मी अनीता गुहा ने 1955 में रिलीज हुई फिल्म तांगावाली से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद वो दुनिया गोल है, झांझर जैसी फिल्मों में नजर आई। अनीता को शुरुआत में फिल्मों में कोई खास सफलता नहीं मिली। उसके बाद साल 1957 में वक्त ने करवट ली और अनीता को फिल्म मेकर होमी वाडिया ने फिल्म पवन पुत्र हनुमान में सीता का रोल ऑफर किया। अनीता पौराणिक फिल्म करने को लेकर असमंजस में थी लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने उनकी सोच बदल डाली। इसके बाद अनीता पौराणिक फिल्मों के ऑफर्स एक्सेप्ट करने लगी और उन्हें संपूर्ण रामायण, श्री राम भरत मिलाप जैसी फिल्मों में भी सीता के किरदार में देखा गया। माइथोलॉजिकल फिल्मों में मिली सफलता से हौसला बढ़ा तो अनीता ने फिर ऐतिहासिक फिल्मों की ओर रुख किया और फिल्म टीपू सुल्तान, महारानी पद्मिनी, संत तुकाराम जैसी फिल्मों में लीड भूमिका निभाई। अनीता के करियर का दूसरा दौर 1969 में फिल्म आराधना से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने साइड कैरेक्टर निभाया था। इसके बाद वो शर्मिली, अनुराग, झूम उठा आकाश, नागिन जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। लेकिन 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माता ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। फिल्म में उन्होंने संतोषी माता का मुख्य किरदार निभाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अनीता को ये रोल ऑफर हुआ तो वो इसे करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपने करियर में कई पौराणिक फिल्में कर चुकी थी और टाइपकास्ट होने के चलते उन्हें दूसरे जॉनर की फिल्में नहीं मिल रही थी। खैर, इस फिल्म के लिए अनीता को बस 10 से 12 दिनों का शूट करना था क्योंकि फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। संतोषी माँ फिल्म की शूटिंग के दौरान का भी एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। बताया जाता है कि जब पहले दिन अनीता शूट पर पहुंची तो सेट पर काफ़ी हड़बड़ी का माहौल था। फिल्म का बजट कम था इसलिए मेकर्स जल्द से जल्द शूटिंग पूरी करना चाहते थे। इसी वजह से अनीता सुबह का नाश्ता नहीं कर पाई और शूटिंग शुरू कर दी। काम ज़्यादा होने की वजह से अनीता दोपहर में लंच भी नहीं कर पाई। जब शाम को ये बात डायरेक्टर विजय शर्मा को मालूम चली तो उन्होंने अनीता के लिए तुरंत खाने की व्यवस्था कराई लेकिन अनीता ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने शूटिंग के पहले दिन को व्रत की तरह मानकर फिर अन्न ही नहीं खाया। रिपोर्ट्स की माने तो अनीता ने जितने दिनों तक फिल्म की शूटिंग की उन्होंने उतने दिन तक व्रत रखा। 15 अगस्त 1975 को फिल्म रिलीज हुई मगर शुरुआती दिनों में फिल्म का हाल बुरा था। एक शो में केवल 56 रुपए की, दूसरे शो में 64 और तीसरे शो में केवल 100 रुपए की कमाई हुई। सबको लगा था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि इसका मुकाबला फिल्म शोले से था लेकिन अचानक से टिकट खिड़की का माहौल बदल गया। जय संतोषी माँ को देखने के लिए थिएटरों में दर्शकों की भीड़ जुटने लगी। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि महिलाओं के बीच ये फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई जिसके चलते शनिवार को उनके लिए स्पेशल शोज रखे गए। कहा जाता है कि औरतें आरती की थाली सजाकर थिएटर में जाती थी और जब मैं तो आरती उतारू गाना पर्दे पर देखती थी तो उनकी आरती क्या करती थी, सिक्के फेंकती और फूल चढ़ाती। इस फिल्म की सफलता के बाद अनीता गुहा स्टार बन गई। वो जहाँ भी जाती थी लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगते और उन्हें संतोषी माता कहकर बुलाते। अपने घरों में उनकी फोटो तक लगाकर उन्हें पूजा जाता। इस फिल्म के बाद अनीता गुहा संतोषी माता की इमेज में ऐसी बंधी कि इसके बाद उन्हें दूसरे रोल्स में दर्शकों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। यही वजह रही कि कुछ फिल्मों के बाद अनीता ने फिर फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अकेले ज़िंदगी बिताने लगी। अनीता गुहा की आखिरी फिल्म साल 1991 में रिलीज़ हुई लखपति थी। निजी ज़िंदगी की बात करें तो अनीता गुहा के लिए अंतिम समय काफ़ी मुश्किलों भरा रहा। बढ़ती उम्र में उन्हें ल्यूकोडर्मा बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी में पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अनीता के चेहरे पर भी दाग धब्बे हो गए जिससे वो डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने घर से निकलना, लोगों से मिलना जुलना बेहद कम कर दिया। चेहरे के दाग धब्बे छुपाने के लिए अनीता गुहा मेकअप किया करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों से ये तक कह दिया था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले उनका मेकअप ज़रूर किया जाए ताकि कोई भी उनके दाग धब्बे न देख पाए। 20 जून 2007 को मुंबई में अनीता ने 67 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते दम तोड़ दिया।
उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार से पहले उनके चेहरे पर मेकअप किया गया। यही थी रिपोर्टर जी की खास पेशकश फिल्म जय संतोषी माँ और उसकी एक्ट्रेस अनीता गुहा पर। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।